नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट विज्ञान है, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा फोर्थ है और यह वर्कशीट हमारा 12th of July 2021 के लिए है। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं धातु एवं अधातु, जो कि बेहद ही खास वर्कशीट है और बहुत ही आसान वर्कशीट है और ये चैप्टर आपका धातु अधातु का, ठीक है। तो धातु को पीटकर उनकी तारें खींची जा सकती है और धातु के खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को ही तन्यता कहते हैं, यानी धातु और अधातु। धातु टोटल जो अभी तक हमारे इस अर्थ पे नोन धातु है वो 118 यानी 118 जो है ना एलिमेंट खोजे गए हैं, ठीक है। इतना अभी तक तत्व खोजे गए हैं जिसमें से धातु है, अधातु है और उपधातु है, ठीक है। अब देखिए धातु के ये जो गुण हैं, तो धातु को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातु को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को ही अघात वर्धीयता कहते हैं, ठीक है। यानी पतली चादरों में बनाया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ ये पतली बना दिया गया पतला, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत यानी उसमें जो ना करंट पास होता है, ठीक है। धातु टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी धातु जब आपस में टक 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 करती है तो उसमें आवाज़ साउंड जनरेट होती है। और धातुओं में अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, यानी अधातुओं में कोई साउंड जनरेट नहीं होता है। धातु एवं अधातु में रासायनिक गुण, धातु और अधातु के क्या है रासायनिक गुण, तो देखिए धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी अम्ल के साथ जो ना धातु जब अभिक्रिया कर लेगा तो लवण और गैस बनाएगा, जबकि पॉप की ध्वनि के साथ जलती और अधातु सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद खास पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि जल में मिलने पर लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जल, जो कि मिलने पर नीला लिटमस को क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अधातु सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जल में मिलने पर नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये याद रखना है डियर स्टूडेंट। अब देखिए अब आपको जो है ना ये देखना, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के को उसके अलवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो है ना सोडियम का अगर आप मैग्नीशियम से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, तो ये जहाँ पे होगा उसको ये हटा दे रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर आयरन है, तो कॉपर का ज़्यादा होता है, आयरन रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद धातु और अधातु के उपयोग, धातु का प्रयोग मशीनें, तार, ऑटो पार्ट्स तथा बर्तन बनाने में किया जाता है, जबकि अधातु का प्रयोग पटाखे तथा एंटीसेप्टिक बनाने एवं वायुमंडल की गैस बनाने में किया जाता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आयरन है, आयरन इसका जो है ना क्या किया, कॉपर इसमें था, कॉपर ने क्या किया आयरन इसमें ले लिया, इसका प्लेस ले लिया, क्योंकि कॉपर आयरन जो है ना काफ़ी अच्छा होता है धातु, ठीक है, उसकी अभिक्रिया श्रृंखला ज़्यादा होती है। धातु एवं अधातु के उपयोग जो कि ऑटो पार्ट्स मशीन तार ये सब बनाने बर्तन बनाने में किया जाता है, अधातुओं का प्रयोग पटाखे तथा एंटीसेप्टिक बनाने एवं वायुमंडलीय गैसों के लिए किया जाता है। अब देखिए अपवाद आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, अपवाद में यानी मरकरी धातु है, ब्रोमीन अधातु है, सामान्य द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और फॉस्फोरस अधातु है, जल के साथ अति तीव्र अभिक्रिया करता है, यानी जल के साथ इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। सोडियम तथा पोटासियम दोनों धातु मूल्यायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में सोडियम पोटास कौन ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो आप बोलेंगे सोडियम और पोटासियम। ग्रेफाइट अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, राइट। अब देखिए अब आपको देखना स्वयं इसमें कुछ क्वेश्चन से इसका आंसर आपको बताना, उन धातुओं का नाम लिखें जो श्वसन के लिए आवश्यक है और जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है। तो चलिए इसका आंसर को हम देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का ऑक्सीजन और दूसरा का फॉस्फोरस है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आप लिख लेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर देखते हैं। मरकरी एवं एक धातु है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट इसमें, ठीक है, अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, यहाँ ऐसे लगा देंगे, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे तन्यता व आघात वर्धन। क्वेश्चन नंबर डी स्टूडेंट थर्ड देखेंगे तन्यता आघात वर्धनता को परिभाषित कीजिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं तन्यता और आघात वर्धनता। देखिए धातुओं को पिघलाकर उनकी तारे खींची जा सकती है, धातुओं को खींचकर तारे में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं, धातुओं को पीटकर उनकी पतली चादरों में बदला जा सकता है, धातुओं को पीटने पर चादरों में बदलने जाने की विशेषता को आघात वर्धनता कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो है ना क्वेश्चन नंबर इसका जो है ना आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना कौन सा है, फोर्थ थर्ड है, तो ये थर्ड का आप आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं थर्ड का। ठीक है, थर्ड का आंसर इसका आंसर यहाँ भी देख सकते हैं, तन्यता धातु को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती है, धातु के खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं, आघात वर्धन धातु को पीटकर पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कौन सी धातु विद्युत के सुचालक होती है, विद्युत की कौन सी अधातु, तो आप ग्रेफाइट लिखेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ना अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, जैसे कि आपके पास पेंसिल है तो उसमें क्या है, अधातु है, पेंसिल में जो है ना अधातु पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ग्रेफाइट होगा। और फिफ्थ है, धातु अब अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो चलिए ये फोर्थ और फिफ्थ का आंसर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ का आंसर आपको दिखा रहे हैं, फोर्थ का आपका ग्रेफाइट हो जाएगा और फिफ्थ का धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातु है यहाँ पे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, तो धातु की क्षारीय होती है, अधातु की अम्लीय होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए, थैंक यू।